स्वर्गीय पीसी आनंद की याद में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय 3 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का पटेल मैदान के बैडमिंटन हॉल में विधिवत रूप से समापन हो गया। समापन समारोह में प्रदेश के बहुउद्देशीय परियोजना ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी जिला को भी स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए रघुनाथ के पधर में स्वास्थ्य विभाग की जमीन को खेल विभाग के लिए स्थानांतरित कर खेल परिसर निर्माण करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिला के खिलाड़ियों को प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार अपनी खेल नीति बनाने पर विचार कर रही है, जिससे भी खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ से निर्मित होने वाले संस्कृति सदन में जहां सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, वहीं खिलाड़ियों के ठहराव के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से टेबल टेनिस के सफल आयोजन के लिए 15,000 रूपये की राशि देने की घोषणा भी की तथा खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा विजेता व उप विजेता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें बेबी गर्ल वर्ग में कांगड़ा की अक्षरा विजेता व मंडी की सिमरन उप विजेता, बेबी बॉयज वर्ग में सिरमौर के केशव विजेता व सोलन के धनंजय उप विजेता, कैडेट गर्ल्स वर्ग में मंडी की भव प्रिया विजेता तथा दीपशिता उप विजेता रही। आज फर्स्ट हमारा जो लेट पीसी आनंद मेमोरियल टूर्नामेंट जो टेनिस का समापन समारोह में मुझे आना हुआ, 2 दिन का ये जो स्टेट लेवल का चैंपियनशिप हुआ टेनिस का, और उसके क्लोजिंग में आकर जहां मैंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें ये कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है, वहां ये भी कहा कि मंडी के अंदर हम प्रयास करेंगे कि मंडी को एक स्पोर्ट्स हब बनाने का हम जो है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मंडी जिला से और हमारा दायित्व बन, जहां कांगड़ा के अंदर धर्मशाला के अंदर हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, शिमला के अंदर है, हमीरपुर के अंदर है, ऊना के अंदर है, बिलासपुर के अंदर है, तो हमारा ये फोकस रहेगा इस बार कि हम मंडी के अंदर स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने का प्रयास करें। उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि जो मंडी के पटल ग्राउंड को जो मैंने पिछले सरकार के समय से शुरू किया है, इसको पूर्ण रूप से हम इसको बढ़ाएं, और साथ में हमारा ये भी प्रयास रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की लगभग 35 बीघा जमीन जो है, जो लेप्रसी हॉस्पिटल के पास जो हमारी, क्योंकि वहां जमीन उपलब्ध है, और मेडिकल कॉलेज ने चौक खुलने से उस जगह को हम जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करके वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनाने का हम जो है प्रस्ताव भी हम सरकार के माध्यम से करने का कोशिश करेंगे, जिससे वो शहर के नजदीक भी हो और पडल का दबाव भी कम हो। इंडोर हॉल बनने हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी इस बात की चर्चा की कि हमें कोई जगह उपलब्ध कराएं जहां हम यहां पर इंडोर हॉल बना सकें, खेलों के प्रति बना सकें, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम यहां पर जो और भी ट्रैक बनने हैं, तो बहुत बड़ी जगह है, उसका तो मैंने विभाग को कह दिया है, उसका प्लान तैयार करें और हम उसको सरकार के आगे सबमिट करेंगे।